सोनभद्र के विडमगंज में श्रमदान से नदी के अस्तित्व को बचाने में लोग जुटे हुए हैं। बताते चले कि यह गांव उत्तर प्रदेश झारखंड को विभाजित करने वाली सततवाहिनी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए स्थानीय नौजवानों ने कमर कस ली है। प्रतिदिन 9 बजे से 11 बजे तक श्रमदान करते हुए सन क्लब सोसाइटी के युवकों की टीम नदी की सफाई का कार्य कर रही है, जिसके कारण लगभग 200 मीटर नदी की सफाई हो चुकी है। युवकों का दावा है कि एक माह के अंदर 1 किलोमीटर से अधिक नदी के सफाई करने के लिए संकल्पित हैं। विडम्बगंज नगर सततवाहिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी में अवैध खनन और प्रदूषण के कारण आज यह नदी अपनी पहचान खोती जा रही है। नदी में बालू न होने के कारण पूरे नदी में घास जमा हुआ है। नदी में पानी है पर घास और लड़ाई के कारण पता ही नहीं चल रहा कि वही नगर का कचरा और नाली का पानी इस नदी के अस्तित्व को ही समाप्त कर रहा है। सनक्लब सोसाइटी के लोगों ने एक टीम बनाकर नदी की सफाई का संकल्प लिया है। प्रतिदिन 9 बजे से 11 बजे तक श्रमदान कर इस नदी की सफाई की जाएगी। 10 दिन के अंदर करीब 200 मीटर से अधिक नदी की सफाई हो चुकी है। युवकों से प्रभावित होकर अब स्कूल के बच्चे भी सफाई कार्य में भाग ले रहे हैं। राजन गुप्ता ने बताया कि उनका लक्ष्य 1 किलोमीटर नदी की सफाई करने का है और यह काम छठ पर्व के पूर्व ही कर लिया जाएगा। तेज आवाज में आपका नाम? रोशन कुमार। ये क्या कर रहे हैं रोशन जी? हम श्रमदान की वजह से हम लोग 25 लोगों का ग्रुप यहाँ नदी सफाई कर रहे हैं। जो सब बहनी का नदी का जो स्थित खो रहा है इसी को पुनर्जीवन कर रहे हैं। आपका नाम? राजकमल। ये क्या कर रहे हैं आप? ये जो नदी देख रहे हैं ये सब बहनी नदी है। ये नदी बहुत ही अच्छी नदी थी। यहाँ पूरे नदी में बालू रहती थी। आज ये नदी की कंडीशन ये है कि पूरे नदी में मट्टी भरा हुआ है और इस नदी को हम लोग पुनः जीवित करने के लिए हम सभी युवा लगे हुए हैं। इस खनन को लेकर हम लोगों ने कई बार। आपका नाम? मेरा नाम विक्की गुप्ता है। मैं बिंडमगंज ग्राम का निवासी हूँ। ये क्या कर रहे हैं विक्की जी? ये सतवाहिनी नदी खड़ के अलावा और गंदगी के अलावा ये पूरी नदी का अस्तित्व खतरे में थी और सरकार इस पे पूरा ध्यान नहीं दे रही है और इसलिए हम लोग इस नदी में साफ करने को, इस नदी को पूरा जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे डेली 20 से 25 लड़के जो संगठन के हैं डेली 8 से 11 यहाँ नदी की सफाई करते हैं ताकि इस नदी का अस्तित्व जिंदा रह सके।